राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं, वह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम में पार्टी विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं से कहा भी था कि वे जैसे ही स्वस्थ होंगे आप लोगों के बीच पटना आएंगे। जी हां, ट्विटर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बेहद आक्रामक हो चुके हैं। फिलहाल राजद का थिंक टैंक इस बात पर मंथन कर रहा है कि उनकी बिहार में एंट्री बेहद खास संदर्भ में होनी चाहिए। दरअसल पार्टी विशेष संदर्भ भी तलाश कर रही है। 5 जुलाई को पार्टी का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस है। चूंकि इस दौरान प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, लिहाजा इस अवसर पर आने की संभावनाएं कम ही हैं। वे वर्चुअल मोड में ही कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी के जानकारों का कहना है कि उनका भाषण विशेष होगा। अलबत्ता ये तय है कि कोविड संबंधी बंदिशें हट जाने के बाद वे इसी माह पटना कभी भी आ सकते हैं। राजद का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस दिन पार्टी के सभी कार्यालयों पर रोशनी की जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए स्थापना दिवस मनाए। जी हाँ, आपको बता दें कि राजधानी सहित प्रत्येक जिला मुख्यालय, हाईवे और मुख्य मार्गों पर लालू तेजस्वी वाले पोस्टरों से पाटने की योजना है। अगर सभी कुछ ठीक ठाक रहा तो स्थापना दिवस के समारोह के वर्चुअल मंच पर राजद से कई नामचीन हस्तियों के जुड़ने की भी योजना है। जी हाँ, तो लालू प्रसाद यादव कभी भी पटना आ सकते हैं, इस बात की जानकारी सामने आई है। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी और सेसर भी की रिपोर्ट।